हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बबीता की रसोई ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है दूध और सूजी का हलवा। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 कप सूजी लिया है। मैं यहाँ पे दूध ले रही हूँ रूम टेम्परेचर। 1.5 कप दूध लिया है। 1.5 कप दूध हमें गर्म नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर ही लेना है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। 10 मिनट के लिए हम ढककर रख देते हैं। मैं यहाँ पे 1 कप चीनी ले रही हूँ। हम इसी कप से पानी लेंगे। मैंने यह 3 कप पानी लिया है। चाशनी बना लेते हैं। हमें चाशनी नहीं बनाना है, बस चीनी अच्छे से घुल जाए। इसमें थोड़ी सी हम इलायची पाउडर डालेंगे। 1 उबाल आ गया है, इसलिए हमने गैस फ्लेम बंद कर दिया है। चीनी का घोल बनकर तैयार है। मैंने यह कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई को हम गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें अब हम मैं यहाँ पे 1 कप घी ले रही हूँ। मैंने यहाँ 1/2 कप घी डाला है कढ़ाई में। बहुत अच्छे से ये सूजी फूल गया है। सूजी को मैंने 10 मिनट के लिए ढक कर रख दी थी। सूजी अच्छे से फूल गई है। उसमें हम डाल देते हैं सूजी को। अच्छे से हम चला लेते हैं। शुरू में लगता है जैसे कि कितना सारा घी डाल दिया हमने। हमें मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। देखिए, इसमें पता नहीं चल रहा है कि घी कहाँ है। सारा घी जो हो गया है, अब हमें मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है और इसे चलाते ही रहना है। ये 1/2 कप घी बची है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। हम बीच बीच पे घी डालते रहेंगे। सूजी का भी हमें और भूनना है, एकदम दानेदार। ये देख सकते हैं घी छोड़ने लग गया है। इसमें हम 1/2 चम्मच बेसन डालेंगे। मैं ज़्यादा बेसन नहीं ले रही हूँ, आप चाहें तो 1.5 चम्मच ले सकते हो। मैंने यह 1/2 चम्मच लिया है बेसन। अब हम अच्छे से भून लेंगे थोड़ा। मैंने यह सूजी को भून लिया है, फिर मैंने यह बेसन को डाला है। बेसन जल्दी से भून जाती है, इसलिए मैंने पहले सूजी को भूना, फिर बाद में मैंने बेसन डाला। बेसन को हम थोड़ा सा भून लेंगे। मैं यहाँ पे फूड कलर ले रही हूँ, कलर के लिए फूड कलर। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। मैंने यह अच्छे से मिला लिया है। इसमें हम चाशनी डालेंगे। मैंने यह सारा चाशनी डाल दिया है। इसे हम अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। थोड़ी सी और चाशनी है, डाल देते हैं हम। मैंने यह सारा चाशनी डाल दिया है। अब हम अच्छे से भून लेंगे।
हमें इसे चलाते ही रहना है। बहुत अच्छे से ये बन गई है, इसे थोड़ा और भूनेंगे। मैं यहाँ पे नारियल का मुरादा ले रही हूँ। मैंने यह नारियल का मुरादा 3 चम्मच लिया है। मैंने यह अच्छे से मिला लिया है। मैं यहाँ पे काजू और बादाम ले रही हूँ बारीक कटी हुई। मैंने इसे रोस्ट नहीं किया है, सेम अच्छे से चला लेंगे। मैंने यह अच्छे से मिला लिया है। अब हमारी रेसिपी बनकर तैयार है, अब हम सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी बनकर तैयार है, सूजी का हलवा। इसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू।